धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे, एक पंडित जी थे, संस्कृतज्ञ नहीं थे, व्याकरण पढ़े नहीं थे, भोले भाले थे, भगवती विंध्यवासिनी माता के प्रति उनकी भक्ति थी, तो नित्य दुर्गा पाठ करते थे वो। और दुर्गा पाठ में जो पंचम अध्याय है ना, उसमें नमस्तस्यै नमस्तस्यै की जगह वो बोलते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब स्त्रीलिंग में तस्यै होगा, पुल्लिंग में तस्मै होगा, इतना उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं था। तो काशी के एक विद्वान वैयाकरण अच्छे थे, वह, अरे पंडित जी आप बूढ़े हो गए, बताओ तस्यै की जगह तस्मै पढ़ते हैं, ये तो बड़ी भारी अशुद्धि है, कब से कर रहे हो ये पाठ? बोले उन्हें तो बच्चापन से कर रहे हैं। अब कितनी उम्र हो गई? बोले 82 साल। अरे तो बड़ा बुरा कर रहे हो, इतने समय नमस्तस्मै? बोले हम तो यही पढ़ते हैं। अरे तस्मै नहीं तस्यै। बोले तस्यै तस्मै में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो तुम्हारे आज तक के किए गए सब पाठ व्यर्थ हुए। इतना सुनते ही वो पंडित जी धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए। उनको इतनी जोर का धक्का लगा कि रे हमारे सारे पाठ व्यर्थ चले गए। तो भगवती से सहन नहीं हुआ, वो प्रकट हो गए, गुरु जी कहते थे। और उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू हमसे शास्त्रार्थ कर, तूने हमको इनके पाठ को अशुद्ध कैसे बताया? महाराज भगवती आप साक्षात विद्या का स्वरूप हैं, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग में तस्से ही तो बनेगा, तस्मे ही थोड़ी बनेगा। उसने करे मूर्ख तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंचा, ये बात तू भूल गया, मैं पुरुष भी हूँ मैं स्त्री भी हूँ, और पुरुष स्त्री इन दोनों से विलक्षण भी हूँ, तो मैं शब्द को नहीं ग्रहण करती, मैं भाव को ग्रहण करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध पाठ करना चाहिए, तात्पर्य ये है शुद्ध पाठ होने पर भी यदि हमारे अंतःकरण का भाव उन्नत नहीं है तो भगवान के दरबार में वह पाठ स्वीकृत नहीं होगा, उतना अधिक स्वीकृत नहीं होगा, भले ही हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है, महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा है और रो रहा है और एकदम अशुद्ध पाठ, और महाप्रभु जी के जैसा महापंडित कौन होगा? एक तो साक्षात भगवान है, और फिर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनके जैसा वैयाकरण उनके जैसा नैयायिक कौन होगा दूसरा? उस समय का उतना बड़ा विद्वान कौन होगा? ये तो समझ ही गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़ा लिखा नहीं तो इसका मतलब है कि इसके अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। जब भाषा का ही बोध नहीं है तो पाठ करने में अर्थानुसंधान क्या होगा? अर्थानुसंधान भी नहीं हो रहा है। फिर बिना अर्थानुसंधान के भाव की जागृति कैसे हो रही है? तो श्रीमद् महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण के पाठ पूर्ण होने पर पूछा, पंडित जी आप संस्कृत तो पढ़े नहीं? बोले नहीं पढ़े। तो आप अर्थ भी नहीं समझते? बोले नहीं समझते। फिर आपके आंखों से आंसू कैसे बहते हैं? इतना सुनती ब्राह्मण और विह्वल हो गया। बोले जैसी गीता जी की पोथी हम सामने रखते हैं उसी समय हमको दृश्य दिखने लग जाता है कि दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और स्वर्ण का रथ है, उसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, और उनके चरणों में अर्जुन बैठे हैं जिज्ञासु की तरह, वे कुछ पूछ रहे हैं और भगवान कुछ बोल रहे हैं, बस इसी झांकी का दर्शन कर करके मैं रोता रहता हूँ, अब मुझे पता नहीं कि गीता में क्या है। महाप्रभु जी ने कहा तुम सच्चे गीता पाठी हो, तुम सच्चे गीता स्वाध्यायी हो। ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने जैसी भुजाओं में भर के उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया, साक्षात महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त करके आजानुलंबित भुजऊ कनका वजात, ऐसे आजानुलंबित भुजा वाले श्रीमन महाप्रभु जी का दिव्य आलिंगन प्राप्त होते ही संपूर्ण वेद वेदांग उस ब्राह्मण के भीतर उपस्थित हो गए, परम विद्वान हो गए।
भाव की बहुत ऊंची चीज है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।